नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आज जो हम तीन भांज का जो जीना बनाएंगे तो आप देखिए समझ में आ जाएगा, जो कम जगह में मेरा तीन भांज का जीना कैसे बनाते हैं। मतलब एक मिस्त्री मुझे फ़ोन किया था कि भैया जो तीन भांज का सीढ़ी बनाते दिखा दीजिए किस तरह से बनाते हैं, मतलब उसका जगह कम है तो उसी का हिसाब से हम बना के दिखाएँगे। फ़ोन करके कितना पूछेंगे कि समझ में नहीं आएगा, और इसमें हम बना के दिखा देंगे तो उसको ए टू जेड समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कि आप लोग भी दिखना चाहते हैं तो इस तरह से क्लिक करके देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा किस तरह से बनाने, कहीं पे आप लोग भी काम आएगा। और दोस्तों इस चैनल में कोई पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हर एक तरह का जो नए वीडियो मिलने वाले हैं तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तब पर भी ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए काम शुरू करके दिखाते हैं। ये जगह में हम बना के दिखाएंगे, मतलब तागी मार के दिखाएंगे और पूरा नापी सही से बताएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं नापी बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों देखिए ये 8 फीट का जो है ये वाला, तो 8 फीट हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ से मेरा दागी जो है 8 फीट का जैसे है, ये रूम दिख रहा है, ये मेरा दीवार 8 फीट का है, ये जो 8 फीट का लंबाई है। तो मैं यहाँ से सीढ़ी का जो चौताल का पहले छोड़ देंगे, जैसे 8 फीट है तो देखते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ से मेरा चौताल होगा, तो चौताल का कितना हाइट में लेंगे, मेरा चौताल कितना हाइट में लेना है, देखिए जो 8 फीट मेरा है ये वाला दीवार 8 फीट है, जैसे ये वाला दीवार 8 फीट है तो दीवार के अंदर अंदर हमको क्या करना है, 3 फीट छोड़ने के बाद मेरा कितना बच रहा, 2.5 फीट छोड़ दिया, 2.5 फीट जगह छोड़ दिए, तो 2.5 फीट छोड़ने के बाद कितना बच रहा मेरा, 5 फीट। तो 5 को हम 1 फीट में 12 इंच आते हैं, 1 फीट में 12 इंच जैसे आते हैं तो 5 12 60 हो गया, तो जैसे 60 हो गया है तो इसको 10 दिए भागा करते हैं, देखिए कितना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको भागा करते हैं 10 काटते हैं और 6 10 60, देखिए 6 10 60 मतलब 10 इंच ये राजा का रहेगा सीढ़ी का, तो 6 को स्टेप निकलेगा मेरा, तो 6 को जैसे स्टेप निकले 10 इंच लेके, तो देखिए क्या करना, 3 फीट छोड़ दिए, तो यहाँ से मेरा चौथा ले लेते हैं, कितना फीट आते हैं देखिए, ये ध्यान दीजिए जैसे 6 स्टेप आ रहा तो मेरा 3 फीट का, तो यहाँ से नापी करना 3 फीट, ये जमीन पकड़ते हैं ऐसे नीचे नहीं, यहाँ से यहाँ से मेरा 3 फीट आ रहा। आप जब कीजिएगा तो आप जितना जमीन जितना में सोलिंग कीजिएगा ढलाई कीजिएगा उतना में आप नापी कर सकते हैं, ऐसे नहीं मेरे जैसे कर दिए, यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको समझाने के लिए, इतना दूर से लेंगे तो मेरा कमरा सारा नजर नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ से दिखा रहे हैं, यह जमीन सोचते हैं, तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करना, आप लोग जैसे हम बता देते हैं इस तरह से कीजिए, मतलब हम नापी सही से बताएँ, तो 3 फीट में हाइट में लेना है, 3 फीट हाइट में, तो मेरा इसमें काम दिख रहा ये ध्यान मत दीजिए, जैसे हम नापी बताते हैं उसका ध्यान दीजिए, तो ये 3 फीट जा रहा, देखिए ये 3 फीट हाइट कर दिए और इसको भी 3 फीट रख दीजिए, जैसे 3 फीट रख दिए, इसको अगर आपको कलम रहेगा तो इस तरह से कलम को भी 3 फीट तक ढाल लीजिए, और क्या करते हैं देखिए, ये कलम रहेगा तो कलम 3 फीट तक ढाल दीजिए, और ये 3 फीट जब ले लिए मेरा 5 फीट तक नापी करना है, धार लॉन्ग कितना आ रहा, 60 इंच तक, ये 60 इंच जो है यहाँ 60 इंच तक आएगा, तो यहाँ 100 इंच चिपका दीजिए, यहाँ से जहाँ तक 60 इंच आएगा सीधा करके चिपकाइएगा, देखिए इसी से सीधा करके चिपका दीजिए, और ऐसे ऐसे गिराना नहीं है, ऐसे 60 इंच लीजिएगा तो आपको ज़्यादा हो जाएगा सामने तक, ऐसे नहीं करना, ऐसे गिराने के बाद क्या करना, देखिए यहाँ से सेंटरिंग कीजिए, धागा लगा दीजिए, ऐसे दागी मत, दागी मारने से आपको हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप अगर दागी मार दीजिएगा तो पर भी सही होगा, अगर यहाँ से कांटी लगा के बाद धागा मार दीजिएगा उस तरह से सेंटरिंग कीजिए तो पर भी होगा, और नहीं अगर आपको समझ में आ रहा तो एक काम कीजिए, इस तरह से दागी मार के पहले एक भांज बनाना कोशिश कीजिए, एक भांज पहले नीचे से नहीं, एक भांज बनाइए, जब बनाइएगा तो इस तरह से तागी मार दीजिए, और नापी क्या करना देखिए, यही से पकड़िए यार, यहीं से 6 इंच कहाँ तक आ रहा,
देखिए 6 इंच कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से मेरा 6 इंच यहाँ तक आ रहा है। जैसे यहाँ 6 इंच आ रहा तो ये वाला सीधा कीजिएगा, यहाँ एक स्टेप आ गया 6 इंच, और यहाँ से 10 इंच लेना है, यहाँ से नहीं है, ये वाला चौथा हो गया पूरा, यहाँ से 10 इंच लेना। जब आप कीजिएगा तो ये 2.5 इंच ले, 2.5 फीट लीजिएगा, 3 फीट नहीं 2.5 फीट लीजिए, और इसको फिर से 10 इंच ले लेना है, इसको 10 इंच, फिर यहाँ से 6 इंच, यहाँ से 6 इंच, देखिए इस तरह से सीढ़ी आएगा। फिर यहाँ से कीजिएगा 6 इंच से 10 इंच, ये 6 इंच ले लीजिएगा, और फिर यहाँ से 10 इंच, फिर यहाँ से 10 इंच 6 इंच लीजिएगा, फिर यहाँ से 10 इंच, तो दोस्तों देखिए इस तरह से आप एक भांज का बना लीजिए धागा से, इसका गलत हो गया, ये वाला नहीं है, इस तरह से सीढ़ी बना लीजिए, इस तरह से धागे मार लीजिए और इस तरह से बनाइए, इसको 10 इंच रहना चाहिए, इसको 10 इंच रहना चाहिए और इसका 6 इंच रहना चाहिए, ये हमेशा ध्यान दीजिए। और इसका तो लंबाई आपको बता दिए, जैसे 3 फीट लीजिएगा, जैसे 10 मतलब ये 10 इंच हो गया या 6 इंच हो गया हाइट, 6 इंच का हाइट, और 10 इंच का जो पैर रखने वाला 10 इंच, 6 इंच का हाइट सीढ़ी का, और ये जो लीजिएगा चौताल, ये चौताल है तो आप 2.5 फीट ले सकते हैं, 2.5 फीट जैसे लीजिएगा तो 3 फीट आ गया, जैसे मेरा निकल गया तो 3 फीट आ गया। तो क्या करना देखिए, आपको 3 भांज जब भी सीढ़ी बनाएगा ऐसे नहीं होगा सीढ़ी, आपको और क्या करना देखिए, यहाँ से जो मेरा चौताल है, यहाँ से जो मेरा चौताल है ऐसे, तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो चौताल है मेरा, तो यहाँ से कोना कोना में एक स्टेप लेना है, ध्यान से ये कोना कोना में एक स्टेप आपको लेना है, जैसे ये चढ़ गए, ये चढ़ गए, और ये कोना में एक स्टेप पड़ेगा, ये वाला को एक लेंगे, मतलब यहाँ से 6 स्टेप हो गया और ये 2 स्टेप, 8 स्टेप हो गया, इसमें 8 स्टेप मतलब 4 फीट में ये मेकअप हो गया है, और कितना बचे, इधर आपको 9 फीट बचता है, देखिए सेकंड वाला में जी वाला आएगा, ये 9 फीट बच, जैसे बताएं आपको तो 9 फीट जैसे आ गया, तो क्या करना है, तो ये तो मेरा 3 फीट ख़त्म हो गया, और इधर से मेरा 3 फीट ख़त्म हो जाएगा, तो ये 3 फीट, ये 3 फीट छोड़िए, कितना हो गया 6 फीट हो गया, और बाजरा मेरा 3 फीट कट जाएगा, देखिए 3 फीट कट जाएगा बाजरा, इसमें मेरा स्टेप आएगा, ये 3 फीट हो गया, और इधर 3 फीट हो गया, या 3 फीट इधर 3 फीट आएगा स्टेप में, मतलब चौताल, और मेरा बाजरा 3 फीट का जाएगा, तो 3 फीट कम जाएगा का हिसाब करते हैं कितना वो हाइट जाएगा, तो मेरा 3 फीट जैसे होगा, 3 × 36 आ रहा, तो 36 इंच जैसे आ रहा, तो 10 इंच करके लेंगे तो मेरा, तो क्या करते हैं देखिए, ये वाला जो है 2.5 फीट जो जैसे ले लिए, 2.5 इंच जो मतलब 2.5 फीट बोले, 2.5 फीट ले लेना स्टेप, ये वाला तो 3 फीट आ गया, तो थोड़ा सा इधर फीट डाल सकते हैं, 4 को स्टेप आ जाएगा, मैनेज करना होगा थोड़ा सा, ये 1/2 इंची 1/2 इंची करके कम ज़्यादा ले सकते हैं, तो अब आपको मैनेज हो जाएगा, नहीं तो ये वाला बहुत चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करना है, इसमें 4 स्टेप लेना है, तो जैसे 4 स्टेप लेंगे तो 2 फीट इधर आ गया, और इधर जैसे इधर 2 फीट आ गया, 4 स्टेप में आपको 2 फीट आते हैं, 2 फीट हो गया, और इधर आपको ले लिए कितना फीट, ये 8 फीट 4 फीट हो गया, ये 4 फीट हो गया, इसको मेरा 3 फीट में लिए, और यहाँ पे एक कोई 2 को स्टेप बन गया, 2 के जैसे स्टेप बन गया, तो मेरा 4 फीट आ गया है, चौथा में 2 को 4 फीट आ गया इसका, और यहाँ से जो छाड़ निकला रहेगा, इस तरह से छाड़ निकला रहेगा सेकंड में, तो यहाँ से मेरा कितना हाइट जाएगा देखते हैं, ये 4 फीट और 2 फीट 6 फीट 6, और यहाँ पे स्टेप में 2 को आएगा 7 फीट आएगा, तो देखिए यहाँ से 7 फीट माफी कर लेना है, 7 फीट मापी यहाँ से कीजिएगा, और जैसे मापी यहाँ से कीजिएगा, सेंटरिंग नहीं करना उसे, आपको लंबाई नापी करना है, लंबाई कितना आ रहा, तो यहाँ से आपको लंबाई नापी करना है 36 इंच,
कैसे दो स्टेप निकाल रहा, 3 फीट निकाल रहा, 3 बार 36 इंच। तो 36 इंच यहाँ से देखिए, चौथा ले लिए तो यहाँ से इस तरह से कीजिए। देखिए और डाउन हो गया। इसको आपको क्या करना है, इसको इस तरह से दीवार जाएगा, फिर इधर आएगा रिटर्न। ये वाला कोनाई दीवार ऐसे है आपका, रूम का दीवार ऐसे है, ऐसे। तो ये वाला सीढ़ी ऐसे पकड़िए, ऐसे चला गया, और ये वाला सीढ़ी ऐसे चला गया, और ये वाला सीढ़ी इधर आएगा। इसलिए समझ में नहीं आ रहा तो फिर से बता के दिखा देते, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे रूम है मेरा, ऐसे रूम है, इधर खुला भी रह सकता है सीढ़ी का, इधर खुला रहता है, ऐसा नहीं है पैक रहता, खुला रहता है। तो मेरा सीढ़ी यहाँ से जा रहा, देखिए यहाँ से सीढ़ी आ रहा। तो ये वाला जो पनाई आम यहाँ से आ रहा, चढ़ रहा, और ये चौताल हो गया। ये चौताल जैसे ये वाला देखा है, दो गो जैसे स्टेप हो रहा, तो यहाँ से मेरा कटिंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दो गो स्टेप बना, बर्फी डिजाइन का जैसे दिखाए, बर्फी डिजाइन का 1 2 3 4 5 6 7 इसी से आएगा, फिर ऐसे आएगा स्टेप। यहाँ से 4 गो स्टेप बनेगा, यहाँ पे 4 गो स्टेप बन के बाद यहाँ पे फिर से बर्फी डिजाइन का आएगा। और ऐसे बर्फी लीजिएगा, ऐसे नहीं, ऐसे लीजिएगा तो आपको दिक्कत आएगा चढ़ने में, ऐसे लीजिएगा तब यहाँ 1 गो स्टेप बनेगा, फिर से इधर आएगा। देखिए इस तरह से आएगा, तो हम दिखा रहे हैं लेकिन यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो यहाँ से उठा के बाद इधर भी करेंगे तो आप समझ जाइए इधर कर रहे हैं। नापी दिखा देते आपको, जैसे इसका नापी बता दिए 4 6 7 फीट का, तो यहाँ पे भी कलम, ये वाला कलम 7 फीट दे सकते हैं। ये वाला कौन वाला कलम, देखिए ये वाला जैसे कलम आपको 4 फीट में है, ये वाला कलम आपको 7 फीट में है, 7 फीट में, ये वाला कलम 7 फीट में हो गया। तो यहाँ से क्या करना है, देखिए स्टेप यहाँ से आ रहा, इस तरह से स्टेप आएगा 4 गो, इस तरह से 4 गो स्टेप आ रहा। तो इसको 10 इंच लेना है, ये भी 10 इंच लेना है, और ये 6 इंच लेना है, ये 6 इंच लेना है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे बर्फी डिजाइन का स्टेप आएगा आपको, देखिए इस तरह से बर्फी डिजाइन का स्टेप आएगा। और क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे छड़ निकला रहेगा तो आप इधर घुमा सकते हैं, आप फिर आओ ऊपर जाएगा, देखिए इस तरह से बनेगा, तब छत में चढ़ेगा 10 फीट हाइट में। और ऊपर में कितना स्टेप निकलेगा वो देखिए, ऊपर में आपको सेम टू सेम जितना स्टेप निकलेगा, जैसे यहाँ पे निकाले तो ऊपर भी ऐसा ही निकलेगा। अगर आपको ऊपर जैसे निकालें तो आपको दिक्कत आएगा, तो थोड़ा सा 19-20 कर सकते हैं, उसी से मिला सकते हैं। अगर जगह आपको मतलब सही से नहीं मिल रहा तो 19-20 करके मिलाना होगा, अगर सही से मिल जाएगा तो ठीक है, इसमें आपको सही से मिल जाएगा। जैसे इसमें दिखाएं पूरा सही से मिल गया, इसका नापी बता देते आपको, देखिए ये 8 फीट का जगह है दोस्तों, देखिए ये जगह है कितना है, इस तरह से मेरा रूम है, इस तरह से मेरा जो रूम है, तो देखा देते आपको, देखिए इस तरह से मेरा जो रूम है, तो आप क्या कहते हैं इसको 8 फीट है, ये जो लंबाई है 8 फीट, ये जो चौड़ाई है 9 फीट, तो इसका रूम बनाएंगे। रूम इसको कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हम सेंटरिंग जब करेंगे, यहाँ से आएगा सेंटरिंग, तो सेंटरिंग जब करेंगे दोस्तों, तो इसमें ऐसे लग रहा है, ऐसे रूम चौका रहेगा, दीवार रहेगा, तो ऐसे जो सेंट्री करेंगे इसका चौताल लीजिएगा, यहाँ तक चौताल का छोड़ दीजिएगा, ये 2.5 फीट का छोड़ दीजिए, ये लंबाई 2.5 फीट आप छोड़ दीजिए, उसके बाद नापी कीजिए। जैसे 2.5 फीट छोड़ दिए दोस्तों, तो आपको कितना बच रहा, 5 फीट, और 5 फीट 6 इंच बच रहा आपको, तो 5 फीट 6 इंच भी माइनस कर दीजिए, 6 इंच नीचे रहेगा तो 6 इंच पकड़ना ही नहीं, 6 इंच छोड़ दीजिए, इसको 2.5 फीट पकड़िए, 2.5 फीट छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद क्या करते, 5 फीट बच रहा तो 60 इंच बच रहा, तो 60 इंच जैसा ये वाला बताएं, इधर बताएं 60 इंच ऐसे आएगा, ऐसे साउल टिपका दीजिए, सीधा करके नापी करके, ऐसे नापी करके सीधा करके साउल टिपका दीजिएगा, सीधा करके
60 इंच नापी करके टिपका दिए और जैसे टिपका दिए तो इतना दूर लॉन्ग आ गया। देखिए इसमें धागे देखे बता दिए और क्या करते हैं, और यहाँ पे आपको 10 इंच लेना है, यहाँ पे 10 इंच लेना है, चौड़ाई 10 इंच, हाइट रहेगा 6 इंच। जैसे ये वाला दिखाएं, ये वाला 10 इंच रहेगा और ये वाला 6 इंच नापी करके, तो हम आपको नापी बता देते, सही से ये वाला बना के दिखा दिए। 10 इंच ले लेना, यहाँ से जैसे 6 इंच बाज रहा, 6 इंच मेकअप आ जाएगा इसी में। और इसको क्या करते हैं, देखिए इसको ढला जब चौताल हो गया इसको, और जब बाद में कीजिएगा इसमें रफ निकाल दीजिएगा, जब कीजिएगा इस तरह से इसका पूरा चौताल नहीं बनाना है। इतना सीढ़ी का जो चौड़ाई रहेगा, चौड़ाई 3 फीट रखिएगा, तो 3 फीट का इसको ढालिएगा, चौताल सीधा करके 3 फीट ढालिएगा। इधर आपको छड़ निकला रहेगा, इस तरह से नहीं आएगा, छड़ इधर निकला रहेगा। और क्या करते हैं, इसको बर्फी डिजाइन का बना दीजिए इस तरह से। आप चाहे ढलाई भी कर सकते हैं, पाटा लगा के ढलाई कर सकते हैं, और नहीं तो और इसको जब ईंट भी जोड़ सकते हैं, ईंट भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो पटरा लगा के ढलाई कर सकते हैं, पटरा लगा के ढलाई कर दिए तो बढ़िया होगा। इसको जो बर्फी डिजाइन बनाते हैं उसको सले स्टेप डालने के बाद, और यहाँ क्या कीजिए, जितना छाड़ निकल रहा आपको छाड़ को सीधा करके लगा दीजिए, ऊपर तरफ सीधा करके लगा दीजिए, ऐल करके सीधा कर दीजिए, और ऊपर से आपको सेंटरिंग फिर से करना, ऊपर को इसको बीम जैसा दिखेगा नीचे पट्टी में, और फिर से ऐसे लीजिएगा यहाँ पे, फिर से क्या कीजिएगा 3 फीट छोड़ दीजिए, 2.5 फीट छोड़ दीजिए यहाँ पे, जैसे 2.5 फीट छोड़ दिए, और 2.5 फीट यहाँ पे छोड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 फीट छोड़ा हुआ है, तो कितना जगह घट गया मेरा, 9 फीट में 3 फीट 3 फीट माइनस हो गया, ये 3 फीट अभी पकड़िए, 6 इंच मेरा बचा हुआ है, 3 फीट 3 फीट 6 फीट अब बच रहा 3 फीट, तो 3 फीट में 34 इंच, और यहाँ पे 6 इंच, 42 इंच आ रहा, तो जैसे 42 इंच आ रहा, तो 2 इंच हाथ में रखिए, 2 इंच आ जाएगा, और जैसे 40 इंच आ रहा, 4 × 10 = 40, तो यहाँ पे आ रहा 4 गो स्टेप, 10 इंच लीजिएगा, 4 गो स्टेप, देखिए 1 2 3 4, 4 गो स्टेप जैसे आ गया है, और यहाँ पे फिर से इस तरह से बर्फी डिजाइन इस तरह से बना दीजिएगा। देखिए बर्फी डिजाइन का बना दीजिए, और कितना जगह बच रहा आपको, यहाँ पे 3 फीट माइनस हो गया है, और बच रहा मेरा 8 फीट में से 5 फीट और बच रहा, 5 × 3 = 8 होता है, तो यहाँ से मेरा 8 फीट में स्टेप कितना निकलेगा, यहाँ से मेरा 6 गो स्टेप निकले, 5 6 गो स्टेप निकला है, 3 फीट में 6 गो, और 6 गो यहाँ पे 1 गो 7 गो, 8 9 10 11, यहाँ पे 1 गो 12 गो स्टेप निकल रहा है, 20 गो स्टेप होना चाहिए, 12 13 14 15 16 17 18। तो दोस्तों देखिए आपको इधर भी ऐसे नापी होगा, 6 गो स्टेप निकलेगा इधर 6 गो, तो इसमें हो रहा आपको रूम का फिर से छोटा पड़ रहा, 10 इंच का नहीं आ रहा, हम आपको दिखा रहे 10 इंच का नहीं आ रहा, तो क्या कीजिएगा, ये स्टेप आपको 9 इंच का चौड़ाई कर रहा है, ये 6 इंची और इसका 9 इंची, तो 9 इंची में हम आपको जोड़ के दिखाए थे, 2 गो स्टेप घट रहा, 20 इंच होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरा 18 गो स्टेप आ रहा, 20 स्टेप नहीं आ रहा, 10 फीट छात लीजिएगा तो आपको 20 गो स्टेप आना चाहिए, तो ये 20 स्टेप नहीं आ रहा, तो ये घट रहा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए ये वाला क्या करना है, इसमें जो बनाए तो यहाँ पे घट रहा, मतलब उसी का हिसाब से 9 8 9 का रूम में आपको 3 भाज का सीढ़ी नहीं बन रहा, तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ वाला ये वाला जो है आपको 6 इंच रखना है, और ये वाला आपको 10 इंच से में से 9 इंच कर देना है, 9 इंच जैसे कीजिएगा दोस्तों, परफेक्ट तरीके से सही से आपको सीढ़ी बन जाएगा, कोई झमेला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप बनाइए, हम हिसाब करके पूरा लगा दिए, आप सही से बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आज का वीडियो इतना है, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।